जमशेदपुर झारखंड के इन प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ा दी फीस। फीस बढ़ाने को लेकर निजी स्कूल नहीं कर रहे नियमों का पालन। हाई कोर्ट में चल रहा है केस। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ी है। नई सत्र 2023-2024 की शुरुआत के साथ ही कई स्कूलों ने फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। कई जगहों पर 10-20% की फीस बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न स्कूल प्रबंधकों ने वार्षिक शुल्क, मेंटेनेंस फीस, बुक, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी समेत अन्य सभी मदों में बढ़ोतरी की है। इन स्कूलों ने बढ़ा दी फीस। जमशेदपुर में ये सत्र में प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने सालाना के साथ मासिक ट्यूशन फीस भी बढ़ा दी है। केरला पब्लिक स्कूल कदमा ने 2 सालों में ट्यूशन फीस में 21% की बढ़ोतरी की है। मशेदपुर पब्लिक स्कूल ने 10% फीस बढ़ा दी है। टैगोर एकेडमी प्रबंधन ने ट्यूशन फीस में 21% की बढ़ोतरी की है। 3 साल का जिला शिक्षा अधीक्षक ने मांगा था ब्यौरा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले के प्राइवेट स्कूलों को पत्र लिखकर पिछले 3 सालों का ब्यौरा मांगा था। इसमें वार्षिक शुल्क के साथ ही अन्य सभी मदों में कितनी फीस लेते हैं इसकी जानकारी देनी थी। जमशेदपुर में सैक्रेड हार्ड कॉन्वेंट स्कूल व कारमेल जूनियर कॉलेज में फीस संबंधी कोई जानकारी नहीं थी। जिन्होंने जानकारी दी उन्होंने भी कई तरह की जानकारी छिपा ली है। केरला समाजम मॉडल स्कूल प्रबंधक ने बताया कि किसी भी क्लास के बच्चे से किसी भी तरह की कोई मेंटेनेंस फीस नहीं ली जाती है। लाइब्रेरी फीस, एग्जाम फीस, प्रोस्पेक्टस फीस, स्कूल मैगजीन, तमाम तरह की फीस का कोई ब्यौरा नहीं दिया। क्या है नियम? जेट अधिनियम कहता है कि 2 साल तक प्राइवेट स्कूल प्रबंधक 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। अगर हर साल फीस बढ़ानी है तो वह 5-5% हो सकती है। अधिक फीस बढ़ानी है तो जिला के स्तर पर फीस निर्धारण कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जेट के आदेश के खिलाफ राज्य के प्राइवेट स्कूल प्रबंधक हाईकोर्ट चले गए हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स बढ़ी हुई फीस से परेशान हैं। अभिभावकों का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं।